तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जान खान एंड यू आर वाचिंग मी। तो गाइस, अभी हम लोग सुबह उबह उठ के चाय वाय पी के रेडी वेडी हो के एक्सरसाइज के लिए अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे कि मेरा चैलेंज चल रहा है, फैट टू फिट चैलेंज चल रहा है 30 डेज का। तो अभी हमें करना है वेट लॉस एक्सरसाइजेस, और सुबह उठ के हम एप्पल साइडर विनेगर पी लिए। एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम नहाएंगे। अभी हमने ऑयल अप्लाई किया है, ये देखो ऑयल वॉयल अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि ऑयल अप्लाई कर लिया, अब इसके एक आर बाद नहा लेंगे, समझे? इसलिए ऑयल अप्लाई कर लिया है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अभी चलो वेट लॉस की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद नहा के फिर तुम लोग से मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। तो गाइस, हम लोग नहा हुआ कि रेडी हो गए हैं। अब जो है चलो चलते हैं, खाना लेके आते हैं ऊपर से और खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। चलो। तो गाइस, हम खाना लेके आ गए। खाने में है हम लोग के पास, रुको दिखा रहे, भिंडी की सब्जी, दाल और 3 रोटी। ठीक गाइस, तो गाइस ये हम लोग का अभी फर्स्ट मील है डे की। तो ये इंटेक करना है, उसके बाद जो है फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से ब्लॉग शूट करेंगे। कुछ जो करेंगे वो तुम लोगों को दिखाएंगे। तो मेरी ऐसे ऐसे मील चल रही, मतलब मान के चलो दिन में 2 मील बस। इतना है कि इंटीमेट फास्टिंग करनी है, 8 आवर के बाद कुछ नहीं खाना है, और जो खाना है वो क्लीन खाना है। ठीक, समझ गए गाइस? तो ये मील लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग से मिलते हैं बाद में। ठीक, चलो। तो गाइस, हम सो के उठ गए हैं और बाहर मेरे दोस्त लोग आए हैं। देखो, लोगों दिखाना है तुम लोग को, ये देखो गाइस मेरा दोस्त ऊपर पता नहीं कहाँ चला गया, मिलता ही नहीं है आजकल। ये फिर से आ गया, मिल गया। ये देखो, बच्चा भी हो गया गाइस मेरे दोस्त को, ये देखो। वो दो दोस्त ऊपर बैठे हैं। तो चलो चलते हैं, आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो चलते हैं छत पे, फिर उसके बाद वो बात करते हैं, समझे गाइस? चलो। मेन बात ये देखना है ना गाइस कि मेरे दोस्त जो आए थे वो सब मेरे छत पे ना आ जाए। बंदा इतना नोचिंग है ना, इतना नोचिंग है, तुम लोग सोच नहीं सकते। इतना काटे, ये देखो यहीं पे है, देखो दिखा रहे हैं। नो रिस्पॉन्स गाइस, नो रिस्पॉन्स। एटीट्यूड आ गया है मेरे दोस्तों में ना, एटीट्यूड की भी सीमा होती है। ये देखो, एक तो पतला दोस्त है, इसको खाना नहीं मिलता है। तो गाइस, ऊपर थोड़ी देर में चलते हैं। पता चला ऊपर चला और एक और बंदर ऊपर आ गया ये वाली छत पे, फिर तो काम तमाम हो जाएगा, तमाम, समझे गाइस? रुक जाओ, अभी ये चला जाए पतला वाला, तब फिर चलते हैं ऊपर, वरना काट उठेगा। अरे बहुत ढेर सारे हैं, लग रहा तुम लोग से इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहीं पर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मैं भाग सकता हूँ तुरंत, समझ रहे हो? वरना तुम लोग ऊपर चल के व्यू दिखा देता है। चलो वो कल दिखा देंगे, अभी इम्पोर्टेंट बात सुन लो। देखो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि 30 तारीख को हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। ट्रिप पे कहाँ हम लोग जा रहे हैं? रणथंभौर सफारी पे। 30 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलेंगे रणथंभौर, ठीक, वहाँ जाएंगे सफारी के लिए। फिर 2 दिन वहाँ स्टे करेंगे, विला में रहेंगे, तो वो सब अच्छा रहेगा। वहाँ पे विला में स्विमिंग पूल भी, तो वो सब देखने में मज़ा आएगा। और क्या बोलते हैं, मतलब 30 से ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, और उतने तारीख को क्या बोलते हैं, एक कितने 2 तारीख को अजमेर जाएंगे, फिर वहाँ पे ज़ारत करना है ख्वाजा बाबा की, तो वहाँ का भी ब्लॉग आएगा, वो देखना गाइस। तो यही इम्पोर्टेंट मैसेज था तुम लोग के लिए, समझ गए?
बस की 30 तारीख से ट्रेवल व्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 को तुम निकलेंगे, मतलब कि वही मान सकते हो 31 से आना स्टार्ट हो जाएगा, 31 से। हाँ तो गाइस तुम लोग को एक बात बताना है, देखो कई लोग को ये नहीं पता होगा कि सफारी क्या होती है, ठीक। सफारी में क्या होता है कि देखो हम लोग एक कैंटर या जिप्सी, ठीक, उसमें हम लोग को ले के जाएंगे जंगल में, जहाँ की वाइल्ड एनिमल्स जो रहते हैं वो, जैसे जू में क्या होता है, जू में जो है वाइल्ड एनिमल्स कैद रहते हैं, ठीक। वहाँ वाइल्ड एनिमल्स कैद नहीं रहते हैं, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स जो है ओपन में रहते हैं। जैसे ये देखो ये बंदर है ना, तो ये ओपन में है, तो ऐसे शेर जो है ओपन में रहेगा, ठीक। हम लोग जो हैं जिप्सी में जाएंगे, समझे, तो ऐसे हम लोग को जाया जाएगा और सफारी कराया जाएगा, वहाँ घुमाया जाएगा, ठीक, जंगल में। और उस पर रूट्स रहती हैं, कुछ कुछ जोन्स रहते हैं, उन पर्टिकुलर जोन्स में हम लोग को ले जाएंगे, जो जोन हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक। तो वहीं पे हमारी सफारी होगी, वहीं हम लोग को घुमाया जाएगा। तो गाइस सफारी जो है, सफारी जैसे इंडिया में जो है बहुत जगह सफारी होती है, एमपी में जो है सबसे ज़्यादा सफारी होती है इंडिया में, एमपी मध्य प्रदेश, समझे, रीमा साइड उधर बहुत ज़्यादा। जैसे हम तुम्हें कुछ सफारीज का नाम बताते हैं, पिंच नेशनल पार्क, ठीक, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक, इतना हो गया। तो ये सब जगह सफारी होती है, और सब सफारी, जितनी भी सफारी होती है ना, उसमें जोन्स रहते हैं, उन जोन्स में ले जाया जाता है, ठीक। जैसे जोन्स में तुम समझ सकते हो, जैसे हम लोगों का एरिया नहीं होता, एरिया जैसे मान लो करेली हो गया, कहीं सिविल लाइन्स हो गया, फिर अटाला हो गया, तो जैसे ये सब एरिया डिवाइडेड है ना, तो ऐसे उसमें जोन्स रहते हैं, जोन्स डिवाइडेड रहते हैं, ठीक। हर जोन में अलग अलग टाइगर रूल करता है, समझ रहे हो गाइस, तो ये सब बात है। और हम लोग जा रहे हैं रणथंभौर, वहाँ कितने जोन है, वहाँ 1 से 10 जोन है। तो जैसे अगर तुम्हें सफारी करनी है ना, तो तुम ऐसे ही सीधा जाके सफारी नहीं कर सकते, तुम्हें सफारी के लिए तुम्हें परमिट निकालना पड़ेगा, पहले परमिट निकालना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सफारी करनी है तुम्हें, और वहाँ तुम्हें परमिट शो करना पड़ेगा, फिर वो लोग तुम्हें कैंटर अलॉट करेंगे या जिप्सी अलॉट करेंगे, फिर तुम सफारी कर सकते हो। परमिट को तुम एक तरह से समझ सकते हो गाइस, तुम लोग परमिट को, कि वो एक टिकट होती है, उसके बिना जो है तुम सफारी नहीं कर सकते, समझे, मेन बात ये सब है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं सफारी के बारे में क्लियर करना तुम लोग को ज़रूरी था, वरना तुम समझ ना पाते कि सफारी होती क्या है, समझ रहे हो। तो ये हर जगह का रूल है कि तुम्हें परमिट निकालना पड़ेगा, ये वो, और परमिट जो है तुम्हें ऑनलाइन पहले से निकालना पड़ेगा, और फिर वहाँ जाके तुम्हें परमिट शो करके फिर कैंटर अलॉट कराना पड़ेगा, जिप्सी अलॉट करवानी पड़ेगी अपनी, और तुम्हें जब परमिट तुम बुक करोगे ना, तो वो तुम्हें ऑनलाइन प्राइस उसमें पता चल जाएगा कितने का होता है, कितना है। हम तुम्हें रफली प्राइस बता देते हैं, जैसे हम लोग किए हैं तो हम लोग को पड़ा है 800 पड़ा है परमिट का, ठीक, 800 पर पर्सन, 800 रुपीज़ पड़ा है, तो ऐसे परमिट का पड़ेगा चार्ज तुम लोग को, समझ लो गाइस। और अलग अलग जगह, जैसे हर ये क्या बोलते हैं, हर नेशनल पार्क में तुम लोग को अलग अलग परमिट का चार्ज पड़ेगा, हर मतलब सफारी में अलग अलग चार्ज पड़ेगा। एक टाइम पे तुम एक जोन में सफारी कर सकते हो, सब जोन में सफारी नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे एक बार तुमने बुक कर किया तो तुम जोन नंबर 1 में जाओगे, मतलब जो तुम जोन चूज़ करोगे ना, जैसे पर्टिकुलरली तुम जोन 4 चूज़ किए तो तुम्हारी जोन 4 में सफारी होगी, जोन 1 चूज़ किए तो 1 में सफारी होगी, 1 में एक बार सफारी कर लिए तो तुम्हारा 4 ख़त्म, फिनिश सफारी, फिर तुम्हें फिर से परमिट लेना पड़ेगा, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, फिर तुम जा पाओगे सेकेंड वेकेंड किसी भी जिसमें तुम जाना चाहते हो, समझे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं रफली जो हम बता दिए तुम लोग को सफारी के बारे में। अब जो है कल जो है हम तुम लोग को बता देंगे कि कैसे बुक किया जाता है एक ये टाइगर सफारी, या ये कुछ भी बोल दो जंगल सफारी कैसे बुक करते हैं, ठीक, कल हम तुम लोग को बताएंगे पूरा अच्छे से, ठीक है गाइस। तो चलो।